तो जब मैं वैष्णो देवी आऊंगी ना तो चल कर आऊंगी। तो पायल ने बीड़ा उठा लिया तो मैं भी करके दिखाती हूँ। चार चार बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वर्कआउट अच्छे से कर रही है, आप भी करो। आपको पता है आपकी तूबा के दांत आ गए? नहीं है, मेहनती बच्चे हैं मेरे बहुत ज्यादा। देखो जी को ठीक है, ऐसे लग रहा है चीकू के स्कूल की फ्रेंड खेल रही रोकी। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और शायद आज आपको जिम का व्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि हम वैष्णो देवी हैं और यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी इशू है, पर आज आप जिम का व्लॉग एंजॉय करें। तो अभी हम करने वाले हैं ग्लूट्स और लेग का। तो हमारे साथ बहुत सारी योद्धा हैं, पायल है, गोलू है और एक बच्ची भी आई हुई है पाकिस्तान से, लक्ष्य। पाकिस्तानी बोलूं? हाँ, ये पीछे पाकिस्तान से बताया तो था तूने, पीछे पाकिस्तान से। इतना बोल दिया, दादा वादा पाकिस्तान से बोलो है ना, है। इसने मुझे अपने दादा की स्टोरी बताई थी कि मैं इसके दादा ना, दादा थे पता नहीं कौन थे, उनकी ना आइस नहीं थी, नाना पढ़ नाना थे, आइस नहीं थी। और वो सारी चीजें बता देते थे कि नोट ऐसे छू के ये कितने नोट है, और जैसे ट्रैवल कर लेते थे जहीं से पाकिस्तान से कहीं तक का भी। और साथ ही साथ कोई आ जाता था ना, कहते थे गेट पे कोई है देखो, अच्छा वो आया फलाना आया, बिना देखे बता देते थे। तो भैया गोलू मैडम जो है ना अभी इंक्लाइंड 15 पे चल रही है क्योंकि इनको पता वैष्णो देवी चढ़ाई करनी है, तो थोड़ा इजी हो जाए। मैंने बोला वहाँ जाके माता रानी का नाम लियो, मुझे पता भी नहीं लगे तू कब जाके उनके दर्शन कराए। बिल्कुल सही बात बोल रही है। अच्छा मैं बताऊँ, मैं तब गई थी लास्ट वैष्णो देवी जब चीकू मेरा ना साल भर का भी नहीं हुआ था, तब चीकू के पापा मैं और चीकू और हमारे साथ एक फैमिली और थी, हम लोग गए थे। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ, चीकू 7 साल का हो गया। बोलू तू तो शादी के बाद गई नहीं? नहीं मैं शादी के बाद नहीं गई, पर मैं शादी से पहले ना मतलब 8 बार जा चुकी हूँ, 8-9 बार तो मुझे याद है। और जितनी बार गई हूँ ना, एक बार ना मैं छोटी थी तो उस टाइम की बात है, मैंने बोला था मैं क्लास में पास हो जाऊंगी ना, तो जब मैं वैष्णो देवी आऊंगी ना तो चल कर आऊंगी। तो मैं क्लास में पास हो गई थी तो मैं नंगे पैर गई थी वैष्णो ऊपर मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए, आई वापिस घोड़े पे थी, बट मैं जब दरबार में गई थी ना नंगे पैर। तो मैं कर रही हूँ ग्लूट्स और थाई, तो ये मेरा पहला सेट है। भाई वेट काफी ज्यादा है, डाल दिया। सही है कर लेंगे, 10-10 है। नहीं, अच्छा 15-15 है। चल ज्यादा नहीं, 50 डाल दिया, 85 किलो। चल वेरी गुड, पैर पीछे आ जा, मूवमेंट देखना गाइस, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट करते हैं लक्ष्य हमेशा, मैं आपको बोलता हूँ। चलो 1 झटका मत मार, 2 वेरी गुड, वेट कम करो। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना 20 मिनट का कार्डियो कर लिया है, 20 मिनट के अंदर 123 कैलोरीज भी अपनी कम कर ली है। अब मैं जा रही हूँ 20 मिनट्स क्रॉस ट्रेनर करने। जब हेल्थ ही बता रही हूँ, तो थोड़े से आगे है लेग्स, थोड़े हल्की से पीछे ले जा लेग्स। चलो 3 10 करने, 10 चल 5 6 7 चल लेग्स के मुंह में चिकन, 8 चिकन आ गई थोड़ी थोड़ी है भाई, 10 चल वन मोर हो गया। मैं बेल्ट के साथ करूं? तो पायल ने उठा लिया तो मैं भी करके दिखाती हूँ, आराम से करना चाहिए। परसों ना घुटने ना ऐसे टाइट मत रखा करो, खराब हो जाती है। ऐसे ठीक है, रखा करो। हाँ चल 1 वेरी गुड, झटका मत मार। चल 2 वेरी गुड, 3। तो ये हमारी लड़की मोटिवेशन है, चार चार बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वर्कआउट अच्छे से कर रही है, आप भी करो। और मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग पाता, पर जब भी टाइम लगता है मैं वर्कआउट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आज मेरा कार्डियो का सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लेग रेस 50K3 सेट। चलो वेरी गुड, गोलू ने भी अपनी बॉडी शेप में ले आई है, और मतलब मुझे लगता नहीं है कि 5-6 महीने में वैसी हो जाएगी सेम जैसे पहले थी। आपको पता है आपकी तूबा के दांत आ गए? अच्छा हाँ, हमने पार्टी रखी है, फास्ट पार्टी। कब की? देखो कल की, कल रख रहे हैं। ठीक है, तूबा का है तो आप तो नीचे का है, ऊपर का हो गैस करो, नीचे का। हाँ नीचे के वो खरगोश वाले 2 दांत नहीं थे, वो ही आया आगे के। खरगोश के ऊपर के होते पर? अच्छा वो चूहे के होते होंगे। हाँ। चूहे वाले आए। तो गाइस आज से ना पूरे 20 दिन लगा लो, चलो महीने लगा लो, महीना पहले मैं ट्राई कर रही थी ऐसे करने का, तो मेरा पेट ज्यादा बाहर था, मैं नहीं उठ पा रही थी, बट आज मैंने ना 2-3 बार से ट्राई करी, आज उठ गई। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, नहीं है मेहनती बच्चे मेरे बहुत ज्यादा। तो गाइज ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है हिप एडक्टर, और ये मैं कर रही हूँ अपने ग्लूट्स के लिए। तो गाइज यहाँ पे हमारी टीम में एक और मेंबर आ चुका है, मिस्टर चिरायु मलिक द रॉक स्टार। और ये जब हम इसे छोड़ के गए थे ना नीचे तकरीबन 7 बजे करीब छोड़ के गए थे ना, तभी आते सो गया था। और अभी टाइम हो रहा है, एक मिनट टाइम बताती हूँ, 6 बजे के करीब छोड़ के गए थे, अभी टाइम हो रहा है 8:11, 2 घंटे सो के आया है ना, 6:30। फाइल आई यू सेकंड सेट कर रही हूँ 10। तो गाइस ये वाली जो ट्रेनर है ना मेरी बहुत हार्ड है, लक्ष्य ने हाथ नीचे रखे थे, ये इतनी ऊपर रख रही है हाथ, इतना मैं अपनी हाइट के हिसाब से रख रही हूं, हाइट छोटी है ना मेरी, नहीं मुझे लग रहा है मुझे जल्दी पतला करवा रही है। झूला झूला देख, झूला देख, मैं बताऊंगी कैसे झूला। अरे तू हट, झूला करना है इसका, झूला करियो, चीकू को झूला झुलाने की टेक्निक कर रही हूँ। वैसे हमारे पास झूला है, हट हाथ तो निकाल, देखो चीकू ठीक है, ठीक है झूला भी झूल सकते हैं ना इसमें, है ना, इतनी जोर से नहीं, हल्के हल्के से। मम्मी ये वाला हटा दो, हटा दूं, सही लग रहा है, चल झूल ले। तो 20 मिनट अपना ट्रेडमिल करने के बाद मेरा टर्न आ गया 20 मिनट क्रॉस ट्रेनर की, और साथ ही साथ ना मैंने अपना लेग रेस क्रंचेस दोनों कंप्लीट कर लिया। तो गाइज मैं सोच रही हूँ मैं एक नई मूवी बनाऊँ, और उस मूवी का नाम होगा चीकू द रॉक स्टार, और ठीक है चीकू, और उस मूवी में क्या होगा, सिर्फ हम तीन होंगे, मैं पायल और चीकू, और पूरी मूवी के ना जो डायलॉग्स होंगे वो ये होंगे, मम्मा मम्मा मम्मा, क्योंकि सच में इतना मम्मा करता है ना, कहीं पे भी चले जाओ ना मम्मा मम्मा मम्मा, वो अक्सर आपने सुना होगा। देखो चोट लग गई तो देखो तोड़ूंगी फोर फोर तो यहाँ पे ना पायल ग्लूट्स का वर्कआउट कर रही है, और ये जो वर्कआउट है जैसे हम हिप अब्रैक्टर करते हैं उसका नाम तो हमें पता है, इस वाले वर्कआउट का नाम नहीं पता ठीक है, पर इतना पता है ग्लूट्स का वर्कआउट है, लेग प्रेस करते हैं। ऐसे लग रहा है चीकू की स्कूल की फ्रेंड खेल रही है, चीकू के साथ खेलने के लिए कोई चाहिए ना, चीकू की स्कूल की एक्सरसाइज तो मेरी हो गई, इस एक्सरसाइज से मेरी हाइट भी बढ़ रही है। मम्मा मैं मेरी हाइट बढ़ा दो, एक बार अपनी हाइट कुछ बढ़ाओ, मेरी हाइट बढ़ गई, पर तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी चीकू की, तेरी हाइट का हो गया ना, पर आप बताना बोलू चीकू की हाइट बढ़ी है क्या पहले से, चीकू को रोज देखती है ना, हमें पता नहीं चल रहा, जैसे कोई अचानक से देखे ना चीकू को तो पता चलेगा, बीच में चीकू ना लंबा लग रहा था पता क्यों, क्योंकि गर्मियों का टाइम था पतला लग रहा था, अभी भी क्या है सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े पहन रहे हैं तो इसलिए अभी गुलगुला लग रहा है। कल स्कूल जाना है आपको, तेरी नाक सेम तुबा की नाक मेरी नाक सेम की दूबा। तो यहाँ पर है लास्ट एक्सरसाइज ग्लूट्स की पायल की, मेरा कार्डियो हो चुका है कम्प्लीट, तो ये है डोंकी किक। सो गाइस ये भी ग्लूट्स की एक्सरसाइज है, आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, फ्लोर पे भी कर सकते हो, फ्लोर पे होगी डोंकी किक, और अगर आपको मशीन पे करना है तो वो है केबल किक, जो आप मशीन पे भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी रोप मतलब केबल बनती है और आपको ऐसे केबल से करना है। तो गाइस मेरे ग्लूट्स जो है वो कम्प्लीट हो गया 4 सेट, और अब मैं करने जा रही हूँ अपने एब्स का वर्कआउट। तो पायल स्टार्ट कर रही है क्रंचेस से, वेरी गुड। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एब्स की लेग रेस, और ये बहुत ज्यादा ना इजी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे साथ ना अक्सर ना गाइस ऐसा होता है, मैं 5 दिन ना लेग रेस करती हूँ ना तो मेरे लोअर एब्डोमेन में ना पेन होना स्टार्ट होता है, जब मैं उठती हूँ ना सोते टाइम के बाद उठती है तो यहाँ पे दर्द होता है ऐसे। यहाँ पे मैंने बोला था कि हम तीनों मैं गोलू और लक्ष्य करते हैं प्लैंक का कंपटीशन, तो चीकू ने बोला कि वो कंपटीशन आप बाद में करना, पहले मैं कंपटीशन बता रहा हूँ वो करो। कौन सा कंपटीशन बेटा? सांस 10 मिनट के लिए रोक, 10 मिनट के लिए सांस रोक लेंगे हम। हाँ, रोक लेंगे। और उसके बाद हम जिंदा नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 11 मिनट, 11 मिनट। अच्छा 1 मिनट और बढ़ा दिया गाइस, इसने 10 मिनट इसको कम पड़ रहे थे, इसने 1 मिनट और बढ़ा। 10 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे बोल सकते हो कि आप एक काम करते हैं हम 10 सेकंड के लिए सांस रोकते हैं, ठीक है? चलो चलो गाइस अब टाइम स्टार्ट करते हैं, रुको यहाँ रखो गाइस को भी पता कैसे लेगो कौन सा बोल रहा कौन सा बोल रहा। 1 2 3 मैंने रोकी, अच्छा अब मेरे से पहले पायल ने कर था, चीकू ने किया था, मैंने देखा हो गया फिर से फिर से सही किया मैंने, ये पता नहीं चल रहा कौन कितने सेकंड कर रहा है, इतना तो शुरू नहीं करी अभी। बोलो 1 2 3
मैंने देखा एक इंसान नॉर्मल 20 से 21 सेकंड रोक अब लास्ट देखते हैं गाइस, ये लास्ट है ठीक है, अब सब जानवर करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। बस इतना ही हो पाया। 22 सेकंड मैं 21 सेकंड दोनों रह गए। 27 28 जी को अब प्लैंक करेंगे। हाँ, मैं सब करेंगे। तो आपको बताएगा कैसे करना है। ये वाला करते हैं, पैर पूरे खड़े कर। अरे नहीं, एक मैं बताती हूँ, चलो हटो। हाँ। वो करके दिखा। पहले मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे टेढ़ी में खड़े करते। नहीं करना तो पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। क्या करना, क्या है जो मैं बताऊंगी, हटो। और पहले मुझे पता है लक्ष्य के लिए वो पीछे जाके उल्टा छोड़ना, सबको करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी, हटी देखते कितने सेकंड, कुछ नहीं होता। चलो करूँ शुरू। मम्मा मैं भी जाता हूँ, हटो हटो। अब मैं अच्छा से पहले मुझे करने दो एक बार, ठीक है। एक मिनट रुक जा, स्टार्ट करूँ। 1 2 3 स्टार्ट। ये वाला अच्छा, तो मैं नहीं कर पाऊंगी लग रहा है, मैं तो पीछे घूम जाऊंगी। आप चीकू? मैं कर पाऊंगा। पहले तो पतली भी तो है ना, लक्ष्य पतली है, पतले लोगों का बताओ। लक्ष्य तो कर लगी है, मैं भी ट्राई कर लूंगी। मैं ऐसा लग रहा है भूत नहीं उल्टी हो रखी है। 25 सेकंड 26 यार मुश्किल ही लग रहा है, बहुत मुश्किल है लग रहा है मुश्किल। 40 सेकंड हो गए, पर कितने मिनट करेगी? 5 मिनट कोई इतना जरूरत नहीं है 5 मिनट करने की। वेरी गुड पल, वेरी गुड। कितना हो गया? 53 सेकंड 5 घंटे हो गया। पास स्टॉप कर रही हो? चलो एक मिनट करके दिखा दो। नहीं मैं 5 मिनट करूंगा। क्या हुआ? पीछे चला गया था, आगे तो वहाँ उड़ा। पैर लगा नीचे, हाँ लगा। स्टार्ट योर टाइम, स्टार्ट नाउ। हाँ टाइम स्टार्ट नाउ। कर। हाँ ये वाला नहीं करते, ये वाला बहुत मुश्किल है, ये वाला कर देते। तू आप मैं नहीं कर पाऊंगी, मोटा शरीर है। चलो ट्राई करती हूँ, ठीक है। नहीं मम्मा वाला करके दिखाओ ना, वो मम्मा वाला ही कर रहा है। अच्छा ध्यान से, ठीक है। लग रही है, मत देखो दो ना यार, मैं अपने आप कर लूंगा। कर फिर, टाइम तो स्टार्ट करो। स्टार्ट टाइम, टाइम बहुत स्टार्ट दे रहा। 15 सेकंड हो गए। वो क्या हो गया? लग गया है, कड़ा कड़ा। शिट यार, तेरे को तो लगती है ठीक हो, तो कोई और एक्सरसाइज कर ले। अरे नहीं मम्मा, मेरे को यही करनी। मम्मा ये वाला नहीं करते, ऐसे वाला कर रहे। चलो हम नीचे जाएंगे, सोएंगे भाई। तेरी एक्सरसाइज हो गई। मैं तेरा वाला ट्राई करने का सोच रही थी, करूँ ना करूँ, कभी ऐसा ना हो पाए मेरे को कुछ हो जाए। सही बात है, जो इंसान थोड़ा पतला ना कर सकता है। मैं तो पेट की बहुत सी बहुत घुट गया।